नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम. स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 4, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. इन दिस चैप्टर, इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 7, द प्रेरीज टेम्परेट ग्रासलैंड्स. ओके स्टूडेंट, द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, अब बच्चों देखो, द प्रेरीज, प्रेरीज मीन्स ग्रासलैंड. ग्रासलैंड को जो लंबी लंबी लॉन्ग टॉल ग्रासेस होती हैं, उन्हें अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग नाम से बुलाया जाता है. मीन्स वहाँ की पर्टिकुलर लैंग्वेज में उन्हें बुलाया जाता है. तो जो द प्रेरीज है वो ग्रासलैंड को नॉर्थ अमेरिका में कहा जाता है. ग्रासलैंड आर नोन एज प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका. सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द पर्टिकुलर प्रेरीज. प्रेरीज मीन्स नॉर्थ अमेरिका की लॉन्ग ग्रासेस के बारे में. ओके, एंड ऑल्सो द पर्पस ऑफ रीडिंग दिस चैप्टर इज सेम एज अवर चैप्टर नंबर 4, दैट वी नीड टू डिफरेंट डिफरेंट साइट टू ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक जोन एंड देयर क्लाइमेटिक कंडीशन एंड ऑल्सो द लाइफ ऑफ पीपल एंड द वेजिटेशन एंड एनिमल्स. ओके, विच वी फाउंड ऑन दैट पर्टिकुलर क्लाइमेट. ओके, एंड द लर्निंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स यू विल बी एबल टू नो विच टाइप ऑफ क्लाइमेट्स आर फाउंड इन टेम्परेट जोन. ओके, बिकॉज द प्रेरीज कम इन टेम्परेट जोन. ओके, प्रेरीज मीन्स ग्रास लैंड्स. ओके ओके, एंड आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट यू विल बी नो दैट ग्रास लैंड्स आर नोन एज डिफरेंट डिफरेंट नेम इन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. ओके, एंड दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू योर 7th स्टैंडर्ड. यू विल ऑल्सो रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रास लैंड्स इन योर 7th स्टैंडर्ड, लाइक प्रेरीज. प्रेरीज इज कॉल्ड इन नॉर्थ अमेरिका. ओके, एंड स्टेपीज, पंपास, वेल्स, डाउन, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट नेम्स ऑफ ग्रास लैंड्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. ओके, व्हेन यू विल गो इन योर 7th स्टैंडर्ड यू विल रीड अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड. ओके, बट इन दिस चैप्टर यू विल रीड पर्टिकुलर द प्रेरीज विच फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका. मीन्स जो नॉर्थ अमेरिका में लॉन्ग ग्रासेस हैं उसे वहाँ पर प्रेरीज कहा जाता है. तो यू विल बी रीड अबाउट द North America which comes in temperate zone, and also you will read about its climate, you will read about the life of people there and the occupation of the people and which type of animals are found there. Okay, and what are the role of these thing in particular climatic zone. Okay students, so let's start our chapter number 7. These here are the map, you can see. This is a map on which the different different name of grasslands are given, which related to particular continent. Okay, I will explain it later. Okay, firstly we will read it. Most of the grasslands of the world are found in the temperate zone. अब बच्चों देखो, जितने भी grassland है, चाहे वो किसी भी कॉन्टिनेंट में है और किसी जिस भी नाम से उन्हें बुलाया जाता है, चाहे वो प्रेरीज है, स्टेपीज है, पंपास है, वेल्ड है या डाउन है, जितने भी हमारे ग्रासलैंड के जोन्स हैं वो टेम्परेट ग्रासलैंड एरियाज हैं. दीज आर कम्स इन टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन हमारा ऐसा जोन होता है बच्चों जो मॉडरेट क्लाइमेट को फेस करता है, यानी मॉडरेट क्लाइमेट को इन्जॉय करता है. टेम्परेट जोन ना तो हमारा बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है और ना ही बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है. ओके, सो दिस जोन लाइज इन बोथ द हेमिस्फीयर. इन द नदर्न हेमिस्फीयर इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ. मीन्स जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है वो वहाँ पर जो हमारा टेम्परेट जोन है वो कहाँ पर आता है, वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में आता है. आपने बच्चों 3rd चैप्टर में हीट, क्लाइमेटिक हीट जोन पढ़ा था. ओके, वो इस तरीके का था. यहाँ पे ये हमारा इक्वेटर लाइन है और उसके बाद ऐसे फिर ऐसे, तो ये नीचे की तरफ भी है. ये जो लाइन है हमारी, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये वाली पर्टिकुलर लाइन हमारी ये 23 एंड
हाफ डिग्री नॉर्थ. ओके, और ये जो है ये हमारा 66 एंड हाफ साउथ, और ये 23 एंड हाफ साउथ. ओके, तो अब बच्चों देखो ये जो है हमारा ये पोर्शन पूरा हमारा टोरिड जोन में आता है. ओके, और ये हमारा टेम्परेट जोन है एंड दिस इज फ्रिजिड जोन. तो ये जो हमारा टेम्परेट जोन है जहाँ मैं सर्कल कर रही हूँ, दिस इज अवर टेम्परेट जोन. आई एम गोइंग टू यूज डिफरेंट कलर फॉर शोइंग यू टेम्परेट जोन, यू विल बी क्लियर अबाउट इट. दीज एरियाज आर ऑफ टेम्परेट जोन. ओके, तो यू कैन सी दैट टेम्परेट जोन इज नाइदर वेरी हॉट एंड नाइदर वेरी नॉट टू कोल्ड. ना तो ये बहुत ज़्यादा हॉट है और ना ही बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है. मीन्स जो टेम्परेट जोन है इट्स एन्जॉयड मॉडरेट क्लाइमेट. ओके, सो ऑल द ग्रास लैंड्स आर फाउंड इन टेम्परेट जोन इन बोथ द हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फेयर ओके एंड इन सदर्न हेमिस्फेयर. ओके स्टूडेंट, इट इज़ क्लियर नाउ. नाउ द नेक्स्ट इज इन द सदर्न हेमिस्फेयर इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ये हमारा आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री एंड हाफ, यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक सर्कल में साउथ में है. दीज एरियाज आर कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. मीन्स ग्रास लैंड को दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट में, जितने हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है. ओके, सो लेट सी द नेम अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट. प्रेरीज, वी कॉल्ड प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका. ग्रास लैंड्स आर नॉन एज प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका. ग्रास लैंड्स आर नॉन एज स्टेपीज इन रशिया कॉन्टिनेंट. ओके, वेयर इज रशिया, इट इज़ अ कंट्री. एंड पंपास इज इन साउथ अमेरिका. ओके, साउथ अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट. एंड ग्रास लैंड्स नॉन एज वेल्ड्स इन साउथ अफ्रीका. ओके, साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो अ कंट्री इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट. ओके, नाउ द डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट. इन साउथ अफ्रीका ग्रास लैंड्स आर ऑल्सो नॉन एज सवानाज. आपने DRC में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पढ़ा था कि कॉन्गो के अंदर जो लॉन्ग ग्रासेज हैं उसे सवानास भी कहते हैं. बट दीज आर द मेन नेम्स ऑफ ग्रास लैंड्स. ओके, प्रेरीज इज इन नॉर्थ अमेरिका. ग्रास लैंड इज नॉन एज स्टेपीज इन रशिया. एंड ग्रास लैंड्स आर ऑल्सो नॉन एज पंपास इन साउथ अमेरिका एंड ऑल्सो नॉन एज वेल्ड्स इन साउथ अफ्रीका एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल रीड अबाउट द क्लाइमेट ऑफ प्रेरीज. प्रेरीज फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका. ओके, प्रेरीज आर वास्ट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड कवर्ड बाय टॉल ग्रासेज. अब व्हाट इज प्रेरीज? प्रेरीज क्या है बच्चों? एक वास्ट मीन्स बहुत बड़ा, सो बिग. ओके, सो बिग. स्ट्रेचेज मीन्स फैला हुआ. एक फ्लैट लैंड है, कैसा? जो कि कवर्ड है किससे? लॉन्ग ग्रासेस से. एक बिल्कुल फ्लैट लैंड है और बहुत बड़ा है, विच इज़ कवर्ड विद लॉन्ग ग्रासेस. वहाँ पर बहुत ही लॉन्ग ग्रासेस होते हैं, विच इज़ कवर्ड विद लॉन्ग ग्रासेस. ओके, नॉन एज प्रेरीज. द ग्रास रिमेन्स ग्रीन इन समर. और ये जो ग्रास है बच्चों, ये समर में ग्रीन दिखते हैं एंड टर्न ब्राउन इन ऑटम सीजन. ऑटम सीजन मीन्स पतझड़. जब पतझड़ का सीजन होता है उस टाइम पे ये ग्रासेस क्या है, क्योंकि ये लीफ तो है नहीं कि शेड हो जाए, तो दे टर्न इन ब्राउन. ये ब्राउन कलर में टर्न हो जाते हैं, यानी कि बदल जाते हैं. कब? इन ऑटम सीजन. एंड इन समर द ग्रास लैंड्स आर सीन इन ग्रीन कलर. ओके, द ग्रास रिमेन्स ग्रीन इन समर एंड टर्न्स ब्राउन इन ऑटम सीजन. ओके,
नाउ देयर आर नो ट्रीज. अब बच्चों जो प्रेरीज है, जहाँ पर प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका में, जो प्रेरीज का एरिया है वहाँ पर ट्रीज बिल्कुल नहीं है. अगर हैं भी तो वो रिवर के किनारे बहुत थोड़े से, इतने थोड़े से ट्रीज हैं कि हम उन्हें ना के बराबर मानते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड दैट देयर आर नो ट्रीज. ओके, अर्लियर दे वर द ग्राजिंग ग्राउंड्स ऑफ बिसोन्स. अब बिसोन्स का मतलब क्या है बच्चों? बिसोन्स मीन्स वाइल्ड ऑक्स. ओके, वाइल्ड ऑक्स, बिसोन मीन्स वाइल्ड ऑक्स. ये जो बिसोन है, बिसोन मीन्स वाइल्ड ऑक्स. जो प्रेरीज है अर्लियर टाइम पे वो क्या था? ग्राजिंग ग्राउंड था. ग्राजिंग ग्राउंड कहाँ मीन्स जहाँ पर जो कैटल्स होते हैं वो ग्रास यानी घास खाने के लिए आते हैं, खाना खाने के लिए आते हैं. ओके, तो ये मेनली बिसोन्स का ग्रासिंग ग्राउंड था. बिसोन्स मीन्स वाइल्ड ऑक्स. ओके, बट टुडे मोस्ट ऑफ द लैंड हैज़ बीन क्लियर्ड एंड ऑक्यूपाइड फॉर एग्रीकल्चर. बट आज के टाइम पे जो प्रेरीज का ये जो ग्रासिंग ग्राउंड था वो साफ कर दिया गया है, क्लियर करके, यानी वहाँ पर ग्रासेस को कट करके उस एरिया को साफ करके वहाँ पर उसे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जा रहा है. ओके स्टूडेंट, नाउ ग्रासलैंड्स आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर. अब बच्चों जैसा मैंने आपको डायग्राम बनाकर बताया था कि जो हमारा टेम्परेट जोन है वो मॉडरेट क्लाइमेट में आता है. क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर से भी दूर है और हमारे पोल से भी दूर है. ओके, सो हियर इज गिवन ग्रासलैंड्स आर अवे फ्रॉम इक्वेटर. ये हमारा इक्वेटर है यहाँ पर, 0 डिग्री इक्वेटर. ओके, देयरफॉर दे हैव लो टेम्परेचर एंड रेनफॉल. इसलिए वहाँ का टेम्परेचर भी कम है और रेनफॉल भी, वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट है. ओके, नाउ द प्रेरीज लोकेशन. अब लोकेशन ऑफ प्रेरीज क्या है बच्चों? द लोकेशन ऑफ प्रेरीज इज, प्रेरीज आर अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ जेंटली स्लोपिंग ग्रासलैंड्स लोकेटेड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. आप देखो बच्चों, ये प्रेरीज की लोकेशन है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है. ओके, इसके इंटीरियर पार्ट में यानी बीच के पार्ट में ये जो एरिया है, दिस इज शोइंग द एरिया ऑफ प्रेरीज. ओके, इट इंक्लूड द सदर्न पार्ट ऑफ कैनेडा एंड सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स. और इसके अंदर बच्चों जो कैनेडा है हमारा यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में, उसका सेंट्रल पार्ट भी आता है और यूनाइटेड स्टेट का सेंट्रल पार्ट भी प्रेरीज के अंदर ही आता है. ओके, नाउ द लैंड फीचर्स. लैंड फीचर्स, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्रास लैंड इज हिली वाइल द ईस्टर्न पार्ट इज फ्लैट. अब देखो, सपोज ये एरिया यहाँ पर दिखा रहा है ग्रास लैंड का, तो इसका जो वेस्टर्न पार्ट है मीन्स वेस्ट इधर है, ईस्ट इधर है, तो वेस्टर्न पार्ट कैसा है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्रासलैंड इज हिली, यानी यहाँ पर माउंटेन है, वेस्टर्न पार्ट में माउंटेन है. बट वेस्टर्न पार्ट में माउंटेन है और ग्रासलैंड है ये, लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट है वो बिल्कुल फ्लैट है. ईस्टर्न पार्ट फ्लैट एरिया है ग्रासलैंड का. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द रिवर्स. मिसिसिपी एंड द मिसोरी ड्रेन द रीजन. और इस रीजन में बच्चों मिसिसिपी और इस तरीके से इधर मिसोरी, आई विल शो यू ऑन द मैप वेयर इज द मिसिसिपी रिवर एंड द मिसोरी रिवर. सो देयर आर टू रिवर्स, मिसिसिपी एंड मिसोरी, जो कि इस एरिया में फ्लो कर रही हैं. ओके, नाउ द क्लाइमेट. So, which two rivers are flowing in this region? Mississippi and Missouri River. And the western part of grassland is hilly and the eastern part is flat. Okay, now we will read about the climate. Now, climate. The climate of this region is as follows. Means, ये जो उसका climate है वो इस तरीके का है. How is the climate in prairies region? विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई. अब इस रीजन में विंटर्स कैसे हैं? कोल्ड हैं और ड्राई हैं. नाउ समर्स आर हॉट विद अ मॉडरेट रेनफॉल. मॉडरेट रेनफॉल्स का मतलब है बच्चों, ना तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना तो बहुत कम होती है. ओके, मॉडरेट है, इक्वल है. ओके, इक्वल जैसा है, ना तो बहुत कम ना तो बहुत ज़्यादा.
So moderate rainfall of about 50 to 70 centimeter with a variation from year to year occur in this रीजन ड्यूरिंग द समर. अब समर सीजन में यहाँ पर रेनफॉल होती है कैसी, मॉडरेट, जो कि कितनी होती है 50 से 70. लेकिन हर ईयर में ये इनमें वेरिएशन रहता है, ज़रूरी नहीं है कि एवरी ईयर यहाँ पर 50 से 70 सेंटीमीटर मॉडरेट रेनफॉल होती है. ओके, नाउ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. और जो ये क्लाइमेट है इसे हम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहते हैं. हॉट विंड्स, अब प्रेरीज में हॉट विंड्स चलती हैं कॉल्ड चिनुक, और इसे चिनुक कहा जाता है. जो यहाँ की हॉट विंड है वो यहाँ के लोकल लैंग्वेज में चिनुक कहा जाता है इन्हें, ब्लोइंग इन स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग सीजन में चलती है. हॉट विंड्स नोन एज चिनुक इन लोकल लैंग्वेज ब्लो इन स्प्रिंग सीजन. द प्रेरी रीजन लाइज इन अ रेन शेडो एरिया. अब बच्चों जो प्रेरीज का रीजन है वो कौन से रीजन में आता है, रेन शेडो एरिया में. रेन शेडो एरिया का मतलब है एन एरिया विच इज अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ रेन बेयरिंग विंड. आपने बच्चों क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे रेन बेयरिंग विंड है वो सी की तरफ से आते हैं. तो जो हमारा टेम्परेट जोन है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ तक हमारे रेन बेयरिंग जो विंड्स होती हैं वो पहुँच नहीं पाती हैं. ओके, दैट इज एंड दिस रीज़न इज़ नॉन एज रेन शेडो एरिया, यानी कि ऐसे एरिया जो रेन बेयरिंग विंड से दूर हैं, जहाँ तक रेन बेयरिंग विंड पहुँच पाए वो उस एरिए से दूर हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लाइमेट लोकेशन. You read in this video about the location of prairies, what is firstly you read about the prairies and what is prairies, what is the location of prairies and climate. Okay student, you have to revise it and also you have to read the different name of grassland which known in different continents. Okay, so in homework you have to do hard words which I will give you and you have to write the different types of name of grasslands. Okay, so now take care student and bye. In our previous lecture we will read in our next lecture we will read about the vegetation of prairies and life of the people in prairies. Okay student.